हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ अपने लैपटॉप में आप उस वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र में खोलिएगा तो वह वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो आइए दोस्तों, हम इसे सीख लेते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जनरली ओपन करना पड़ेगा नोटपैड। हम इसे ओपन कर लेते हैं, नोटपैड को ओपन कर देते हैं और इसे हम नोटपैड को हमको रन एट एडिटर के थ्रू ओपन करना है। इसे मैं यस पे क्लिक कर देता हूं और इसे ओपन कर लेता हूं। उसके बाद हमें यहां फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद हमें यहां ओपन पे क्लिक करना है और हमें यहां डेस्कटॉप, जिस पीसी में जाके हमें डेस्कटॉप, आपके वहाँ कुछ भी हो लेकिन हमें जिस पीसी में जाना है। जैसे मैंने यहाँ टेक्निकल पीयूष लैपटॉप दे दिया है, तो क्योंकि मैं लैपटॉप का यूज़ करता हूँ तो मैंने यहाँ लैपटॉप दे दिया है। आपके आप यदि पीसी का यूज़ करते होंगे तो इस जगह जिस पीसी आएगा तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद हमें लोकल डिस्क में जाना है। लोकल डिस्क में जाने के बाद हमें यहाँ विंडोज़ में क्लिक करना है। विंडोज़ में सिस्टम 32 में हमको क्लिक करना है। उसके बाद में हमें क्लिक करना है, फिर हम ETC पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ कोई भी फोल्डर शो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ TST फाइल, तो हम यहाँ ऑल फाइल को सेलेक्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ, हमें इस सभी में से हमको यहाँ होस्ट फाइल में जाना है। यहाँ हमारा लोकल होस्ट 1 है तो हम इसी में चेंजेस कर, इसके लिए हम कर लिए इंटर पे क्लिक करते हैं। टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देते हैं 127.0.0.2, उसके बाद 2। अब हमें जो फिर हम टैब पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो वेबसाइट को हमको देना है फेसबुक को हम दे देते हैं www.facebook.com। इसे करके हमें इसे सेव कर देना है। चूँकि ही फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा आप वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ, चूँकि यहाँ लोकल होस्ट 1 है तो इसके जगह पे हम जैसे कि 127.0.0.1। अब जो हम अगला जो देंगे तो हम इसमें सिर्फ 1 के जगह पे 2 कर देंगे। उसके बाद वेबसाइट यहाँ टैब पे क्लिक करके वेबसाइट लिख देंगे जिस वेबसाइट को हमको ब्लॉक करना है। उसके बाद हम उसके बाद हमें उसके बाद यदि और हम किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट को हमें यहाँ फिर से हमें इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करने के बाद फिर टैब पे क्लिक करना है और टैब पे क्लिक करने के बाद अब जिस वेबसाइट को देना है हमें पहले, उसके बाद लोकल होस्ट उसका 3 लगा देंगे। उसके बाद इतना हमको नीचे लिख देना है। उसके बाद हमें यहाँ टैब मतलब कि 3 यहाँ 2 है तो आप 3 कर देंगे। उसके बाद जिस वेबसाइट को लिखना है हम यहाँ उस वेबसाइट को लिख देंगे, फिर हम यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो भी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो हम यहाँ जाते हैं, उसके बाद इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करके हम चलते हैं अब किसी भी ब्राउज़र में हम वेबसाइट को खोल लेते हैं। अब चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र में हम www.facebook.com को ओपन कर लेते हैं। देखते हैं कि ये खुलता है कि नहीं। यह facebook.com को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए तो आप देखिए ये नहीं खुल रही है। तो आप यहाँ आपने यहाँ देखा कि और मेरा यहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी है। यदि आप देखिए यहाँ मेरे वाईफाई से ये कनेक्टेड है लेकिन यह खुल नहीं रही क्योंकि ये वेबसाइट ब्लॉक हो गई है। आप यहाँ आप कहीं भी इसे खोल सकते हैं। जैसे मैं अब फायरफॉक्स में अब इसे ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ मैं यहाँ वो वेबसाइट खुलती है कि नहीं। तो चलते हैं वहाँ, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं www.facebook.com लिख देते हैं और देखते हैं यह ओपन होता है कि नहीं। अब हम इस पर क्लिक करके हम इंटर प्रेस करते हैं।
तो आप यहाँ देखिएगा कि इसमें भी नहीं खुलेगी। देखिए यहाँ इनेबल टू कॉन्टैक्ट, यह भी नहीं खुल रहा है फायरफॉक्स, मतलब कि ये मैं क्योंकि हमने यहाँ इस कंप्यूटर सिस्टम में ही इस ब्लॉक को इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है और कहीं नहीं किया है। इस कंप्यूटर सिस्टम में ये वेबसाइट नहीं खुलेगी, चाहे आप किसी भी ब्राउजर में जाके इस वेबसाइट को खुलना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें फिर वही प्रोसेस जाना। अब क्या करेंगे हम, इसको हम करके हटा देना है जो हमने यहाँ कुछ इसमें कुछ चेंजेस किए थे ना, इस चेंजेस को हमको हटा देना है। हम यहाँ इसे हटा देते हैं, उसके बाद फिर सेव पे क्लिक कर देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये ओपन होती है कि नहीं, इस पर मैंने कट किया। अब हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, क्रोम ब्राउज़र में लिखते हैं www.facebook.com को हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ ये खुलती है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये facebook.com वेबसाइट खुल रही है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं।